हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हाइलाइटर जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप मेकअप में नए हैं, आपने अभी अभी अपना मेकअप स्टार्ट किया, आप एक बिगनर हैं, तो आप इस हाइलाइटर को परचेज कर सकते हैं और अपने मेकअप को एक अच्छा निखार दे सकते हैं। आप एक फ्लॉलेस मेकअप पा सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये दोनों लोगों के लिए काफ़ी हैंडी और काफ़ी अफोर्डेबल है। तो चलिए मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली मैं इसका रिव्यू करूंगी और इसके स्वाचेस भी आपको दिखाऊंगी इसके बारे में, कैसा इसका पिगमेंटेशन है, कैसे इसका फॉर्म है, सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना एक इंपॉर्टेंट काम, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर देना, तो ताकि मेरा जब भी कोई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये शिवाना कलर्स का ब्रॉन्ज प्रोफेशनल हाइलाइटर। क्योंकि पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके पैकेजिंग के बारे में बता दूँ। आप इसके पैकेजिंग देख रहे हैं, कुछ इस बॉक्स में है ये, इसका बॉक्स आप देख सकते हैं। मैंने इसे अमेजन से परचेस किया था। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका परचेजिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको परचेस करना है तो अपना आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको कार्डबोर्ड दिखा दिया, अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी आप क्वांटिटी दे सकते हैं, मेरी पूरे पाम पे आ जा रहा है, मतलब इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको क्वांटिटी ग्राम में बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपको मिल जाएगा बॉक्स। और इसके ऊपर कुछ ये ग्लास सा इन्होंने लिड दे रखा है। और एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आपको इसमें दो हाईलाइटर मिल जाएंगे, एक आपको ब्रॉन्जर मिल जाएगा, आपको दो हाईलाइटर मिल जाएंगे। आप अगर देख रहे हो आपको कुछ ये पिंकी से दिख रहा है तो ये ब्लश नहीं है, ये हाईलाइटर है। और मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका है, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा पिंकिश में दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा पिंक अंडरटोन में है। बट इसका जो कलर आता है वो काफ़ी गोल्डन आता है, पिंक में भी आता है बट गोल्डन आपको ज़्यादा दिखता है। मैं आपको एक बार स्वचेस करके आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, शायद देख पा रहे हो, ये काफ़ी सारा गोल्डन में आता है। और ये सिल्वर वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये जो सिल्वर है ये देखिए कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, मतलब आप एक बार ही आपके एक सॉइल में ही आपके एक एप्लीकेशन में ही काफ़ी ज़्यादा ये पिगमेंटेशन देता है। ये आपका सिल्वर होगा और आपका ये गोल्डन होगा, इसमें हल्का सा पिंकिश अंडरटोन आता है बट काफ़ी ज़्यादा नहीं आता है। मतलब आप इसे एज अ ब्लश यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा शिमरी ब्लश चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हल्का सा पिंक आता है, ज़्यादा नहीं आता है। और ये भी काफ़ी सारा पिगमेंटेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाती हूँ, ये देखिए, मतलब कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। आपका चाहे गोल्डन हो, सिल्वर हो या फिर आपका ये ब्रॉन्जर हो, तीनों ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आप इसे कैरी कर सकते हैं अपने बैग में कहीं जब बाहर जाएं। और आपको दो हाइलाइटर मिल जाते हैं एक साथ ही, और आपको एक ब्रॉन्जर मिल जाता है। एक छोटा सा आपका कॉम्पैक्ट पैलेट बन जाता है दो हाइलाइटर का और एक ब्रॉन्जर का। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से अफोर्डेबल भी है, एक हैंडी भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे नहीं गिराएंगे तो ये शायद टूटेगा नहीं, अगर आप गिरा देंगे तो ये हो सकता है इसका लिड जो है वो थोड़ा सा कांच और फाइबर का मिक्स है तो ये टूट भी सकता है। बाकी मैं इसकी प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग कुछ 349 समथिंग कुछ थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये 17 ग्राम का प्रोडक्ट है और मेरा शेड जो है वो है 02, क्योंकि इसमें कई सारे शेड आते हैं। आप अगर पिंक में लेना चाहते हैं, डार्क में आपको कई सारे शेड, आपको जब आप देखेंगे तो आपको कई सारे शेड वहाँ पर मिल जाएंगे, बट मेरा जो शेड है वो है 02 उसकी क्वांटिटी। और अगर मैं कुछ और बात करूँ तो हाँ, एक बात और, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपको 5 ईयर्स की आपको सेल्फ लाइफ मिल जाती है। और बाकी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस लैंग्वेज में दे रखा है आई कांट रीड, तो इन्होंने पता नहीं थाईलैंड में पता नहीं किस लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको ये देखना होता है कि आपका कॉम्पैक्ट किस तरह सा है, आपका जो शेड है वो कैसा है, आपका कितना पिगमेंटेड है, आपका फॉर्म में किस फॉर्म में है, क्रीमी है, चौकी है, पाउडरी, किस फॉर्म में है। तो बेसिकली वो मैंने आपको दिखा दिया है, आप एक बार और भी दे सकते हैं। और इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको अप्लाई भी किया हुआ है, इस वाले इस गोल्डन हाइलाइटर को आप देख सकते हैं, इसका आपको पिंक की अंडरटोन काफ़ी कम दिख रहा होगा, आपको गोल्डन ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन देता है। पिंक हल्का सा देता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं देता है, हल्का सा ही, बट इसका गोल्डन काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको फिर भी एक बार
इस ब्रश की हेल्प से आपको दिखा देती हूँ, और आप देख सकते हैं कितना इसका पिगमेंटेशन दिख रहा है। मैंने आपको हैंड में दिखा दिया था, बट आप फेस पे देख सकते हैं आपको एक नेचुरल ग्लो सा दिखता है। आप जब आप गोल्डन हाइलाइटर यूज़ करते हैं, सिल्वर तो यूजली सभी लोग यूज़ करते हैं, बट जब आप गोल्डन यूज़ करेंगे तो काफ़ी अलग सा और ये काफ़ी नेचुरल सा ग्लो दिखता है आपके फेस पे। आप देख सकते हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा, मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये, और आप इसे अगर अच्छे से इसमें कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा एक नेचुरल ग्लो दिख जाता है आपके फेस पे। एक आपने अगर सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देखा होगा तो आपको लगता है उनका फेस इतना ग्लो करता है कि ऐसा लगता है कि एकदम वो नेचुरल ग्लो कर रहा है, बट वो नेचुरल ग्लो नहीं होता है। वो ऐसे ही कुछ अच्छा सा हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, और ये भी एक अच्छा हाइलाइटर है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और एक नेचुरल ग्लो आप पा सकते हैं। आप देख सकते हैं, ओह माय गॉड, कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं तो आप ढेर सारा सामान कैरी नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ऐसे पैलेट्स होते हैं तो आपको सामान कैरी करने में आसानी होती है। आपने एक पैलेट डाला और आपका काम हो गया, तो आपको एक में ही तीन चीज़ें मिल जाती हैं, आपको दो हाइलाइटर सिल्वर एंड गोल्डन और आपका एक ब्रॉन्जर, तो आपको कैरी करने में आसानी होगी। आप ज़्यादा सामान आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बिगनर फ्रेंडली भी है, और इसका अमाउंट भी अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा बॉक्स आपको मिल जाता है, 5 ईयर्स की सेल्फ लाइफ है। आप इसे अच्छे से जब तक चाहें तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा यूज़ करने हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। और थोड़ा सा एक छोटा सा पैलेट मिल जाता है, आपको एक बॉक्स में तीन चीज़ें मिल जाती हैं, इससे अच्छी बात मेरे लिए तो कुछ भी नहीं होगी। तो मैंने आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, बाकी मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जिन्होंने क्या क्या डाल रखा है वो पता नहीं किस लैंग्वेज में दे रखा है, सो आई कांट रीड। बाकी मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी देना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा भी कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए।